वेलकम बैक गाइस। तो आज भाई पोकेमॉन जर्नीस का एपिसोड 125 रिलीज हो चुका है, जहां पे हमने एश वर्सेस सिंथिया बैटल का पार्ट 3 देखा। ये यार जो बैटल है पिछले दो एपिसोड से चल रही थी और आज तीसरा एपिसोड था और आज जाके फाइनली ये बैटल खत्म हुई है। तो आज के भाई इस वीडियो में हम लोग इसी को रिव्यू करने वाले हैं। देख मैं अपना ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मेरे को कैसा लगा ये एपिसोड, और तुम लोग कॉमेंट के अंदर अपनी रेटिंग भी बताना तुमको कैसा लगा ये एपिसोड। अब जैसे कि हमने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा था कि भाई सिंथिया के अब सिर्फ दो पोकेमॉन बचे हुए हैं और एश का तो सिर्फ एक ही बचा हुआ है। तो मतलब अब यार लुकारियो को 1v2 करना था सिंथिया के टोगकिस और गार्चोम के साथ में, और सिंथिया एक फिनोमिना भी यूज कर सकती है, या तो मेगा एवोल्यूशन या तो डायनामैक्स, और यार वो अपने टोगकिस को डायनामैक्स करती है। काफी शानदार बैटल होती है, लेकिन लुकारियो भाई जैसे तैसे करके हरा ही देता है यार टोगकिस को। सही में टोगकिस को हराना काफी हार्ड हो रहा था यार, ये मतलब इतना टैंक पोकेमॉन था भाई, मर ही नहीं रहा था यार। इसकी एचपी इतनी ज्यादा थी, बार बार जिंदा हो रहा था, मरता ही नहीं है भाई, लेकिन जैसे तैसे करके लुकारियो ने इसको हराया। अब यहाँ पे सिंथिया ने निकाला अपना गार्चोम, उसका एकदम एस पोकेमॉन, और गार्चोम को ऑलरेडी भाई याद होगा सबको सरफेस ने काफी डैमेज दिया था, तो यहाँ पे गार्चोम के पास भी अच्छा खासा डैमेज था ऑलरेडी, और यहाँ पे भाई लुकारियो भी ऑलरेडी काफी डैमेज है, उसको टोगेकिस ने काफी डैमेज दे रखा है। तो बैटल यहाँ पे स्टार्ट होती है और दोनों भाई बिल्कुल यार टक्कर की बैटल दे रहे थे, दोनों एक दूसरे को मारे जा रहे हैं भाई, मतलब एग्जैक्ट सेम, एक बंदा मार रहा है तो दूसरा बंदा भी सेम पंच मार रहा है, मतलब सेम ही बैटल चल रही थी पूरी की पूरी, बहुत खतरनाक टक्कर की चल रही थी भाई पूरी बैटल। इनकी बहुत ज्यादा गजब रहती है गार्चोम और लुकारियो की, कोई भी हारना नहीं चाहता दोनों में से, और आखिरी में यार फिर दोनों के दोनों गिर जाते हैं, जहां पे यार लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब पता ही नहीं भाई। लेकिन यार एंड में लुकारियो उठ जाता है और समझ जाता है कि भाई लुकारियो बैटल जीत चुका है और गार्चोम हार गए। लिटरली एश ने भाई सिंथिया की स्ट्रीक तोड़ी है यार, मतलब अब सिंथिया पहली बार किसी बैटल में हारी है, उसका गार्चोम भी पहली बार किसी ने हराया है, जो कि एश का लुकारियो रहेगा। तो अब समझ सकते हैं एश का लुकारियो काफी ज्यादा ही पावरफुल बन गया है। मैं यार इन तीनों एपिसोड के जो कॉम्बिनेशन है इसको 10/10 ही भाई रेटिंग देना चाहूंगा। तीनों के तीनों एपिसोड शानदार थे, बैटल में कहीं पे भी यार तुम्हें बोर नहीं होगा बिल्कुल भी, तीनों एपिसोड में बैटल थी लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा मजा आया यार, सीरियसली बहुत ही खतरनाक बैटल थी। तो यार 10/10 मेरी तरफ से, तुम लोग अपनी रेटिंग कॉमेंट के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा बाय द वे सिंथिया ने भाई अब अपना मन बदल लिया, यानी कि वो रिटायरमेंट नहीं लेने वाली, पहले उसने अनाउंस किया था कि इस बैटल के बाद वो मतलब छोड़ देगी, चैंपियन बनना छोड़ देगी भाई, वो रिटायर हो जाएगी अपने काम से, लेकिन अब वो नहीं होने वाली। तो हाँ अब नेक्स्ट एपिसोड भाई कुछ गो के ऊपर होने वाला है, जहाँ पे एश हमको शायद ही दिखेगा, तो सब लोग यार इससे थोड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं। अगर तुमने नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे लगा हुआ है, तुम यहाँ से देख सकते हो। अब मिलोगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।